नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मथुरा से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है जहां पर मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे के बाद डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा था। डिब्बों के पलटने से डाउन और अप लाइनों पर कोयले का ढेर लग गया। दिल्ली मथुरा का ट्रैक बाधित हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो उसी साइट की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ है। एक दो नहीं बल्कि 20 डिब्बे बेपटरी हो गए, ये पटरी से उतर आए। हादसे की वजह क्या, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के लिए भी अधिकारियों को भेजा गया है। दिल्ली मथुरा ट्रैक इस वक्त बाधित है और इस ट्रैक से ट्रेनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मालगाड़ी के 20 डब्बे बेपटरी हो गए हैं। आखिर वजह क्या रही, पटरी से ये डब्बे क्यों उतरे, कैसे उतरे, कोई लापरवाही है या ये हादसा है, फिलहाल ये जांच का विषय है। ये एसटीपीवी का एक लोडेड गुड्स था जो एसटीपीवी सूरतगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रहा था। तो करीब 8:12 पर जो सूचना प्राप्त हुई है, इसका ओएचई डाउन हुई थी। फिर बाद में पता चला कि ये गाड़ी डिरेल कर गई है। तो अभी अभी जस्ट साइट पर पहुंचे हैं, तो वी आर असेसिंग द कि इसको रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा। इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, रूट की अगर बात करें तो अपर डाउन, अभी अप डाउन और थर्ड लाइन 3 का ट्रैफिक बंद है, फोर्थ लाइन पे ट्रैफिक चालू है अभी हमारा। कितनी गाड़ियां अगर बात करें बाधित होंगी, अभी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए अभी। सूचना अभी थोड़ी देर पहले मिली थी, आधा घंटा पहले हमको, कि गाड़ी दिल्ली साइड में जा रही थी और डिरेल कर गई है। करीब करीब इसके 18-19 वैगन डिरेल हो गए हैं, इसमें कोल लोडेड है। अब मैं आया हूँ, देखता हूँ। मथुरा में आगरा दिल्ली ट्रैक पर एक बार फिर मालगाड़ी डिरेल हुई है। यह मालगाड़ी आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि डिरेल होने के बाद इसके करीब 28 जो डिब्बे थे वो डिरेल हुए, और आप देख सकते हैं कि जो बोगियां हैं उसमें कोयला भरा हुआ था। और आगरा से ये दिल्ली की ओर जा रहा था, तभी छटीगरा रेलवे स्टेशन से आगे ये हादसा हुआ है, जिसमें मालगाड़ी के जो है डिरेल होने की बात सामने आई थी। जब यहाँ पर आकर देखा तो 28 डिब्बे जो थे मालगाड़ी के वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। तमाम उसने ओवरहेड लाइन जो थी वो उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिलहाल हादसे के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हादसे की क्या वजह रही है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है। संवाददाता नितिन गौतम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। नितिन गौतम फोन लाइन पर भी मौजूद है। नितिन, यह हादसा कब हुआ और साथ ही अभी तक की जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मेनका, ये हादसा करीब 9:30 के आसपास का है जब सूचना मिलती है रेलवे कंट्रोल को कि एक ट्रेन जो मालगाड़ी है जिसमें कोयला भरा हुआ था और वो वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से है, आज के बीच में ड्रेल हुई है। सूचना पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे, साथ ही जब वहां पर जाकर देखा तो न्यूज 18 की टीम भी मौके पर पहुंची, और मौके पर जाकर देखा तो करीब 20 से 25 डिब्बे जो है डिरेल की बात सामने आई है। और वहां पर 20 से 25 जो डिब्बे थे जिनमें कोयला भरा हुआ था, उसकी वजह से जो है दो रेलवे के जो तीनों ट्रैक हैं, जो दिल्ली की ओर जाता है और जो दिल्ली से आगरा की ओर जाता है, दोनों रेलवे के अप और डाउन जो दोनों ट्रैक हैं वो बाधित हुए हैं। साथ में जो तीसरी लूप लाइन होती है वो भी बाधित हुई है। इस जो हादसा है इसमें अभी तक कोई बात अधिकारी रेलवे के अधिकारी कहने को बताने को तैयार नहीं है। अधिकारी यही कहेंगे फिलहाल जांच होगी, उसके बाद ही सही कारण सामने आ पाएगा कि लापरवाही है, हादसा है या फिर कोई साजिश है। हाल फिलहाल इस तरह की कई साजिशें भी हमने देखी, जिस वजह से लोगों की चिंता बढ़ रही है रेलवे को लेकर कि क्या ये साजिश लगातार हो रही है ट्रेनों को टारगेट करके। तो ये सवाल तो अपने आप में है। इस वक्त मौजूदा सवाल एक और कि क्या बता रहे हैं अधिकारी, ये तीनों रूट कब कितने वक्त में शुरू हो सकेंगे? इनका सबसे खास बात यह है कि जो इंजन था वो इंजन रेलवे से जो ट्रैक था उससे ड्रेल नहीं हुआ है। रेल इंजन के पीछे के जो डिब्बे थे जिनमें कोयला लादा हुआ था वो ड्रेल हुए हैं, और करीब 22 डिब्बे ड्रेल हुए हैं। हादसे की जो तस्वीरें हैं उसके बाद जो देखा जा रहा है कि जो तीनों ट्रैक थे वो बाधित हैं। फिलहाल कई गाड़ियां बाधित हैं क्योंकि मेन ट्रैक है, और अधिकारियों का कहना है कि अभी यहाँ पर जो है बचाव और जो रात कार की गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही है और उसके बाद काम शुरू हो पाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो 12 घंटे करीब लगेंगे, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का ये प्रयास है कि जो दो डिब्बे मेन अप लाइन पर हैं उनको पहले क्लियर कराया जा सके, जिससे कि जो रास्ता है वो क्लियर हो सके। जी जी,
धन्यवाद नितिन जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। नितिन गौतम बता रहे हैं कि 3 ट्रैक इस वक्त बाधित हैं। अप लाइन को सबसे पहले खोलने की कोशिश हो रही है, वहां पर 2 डिब्बे हैं जिन्हें हटाकर उसे चालू करने की कवायद है, लेकिन लगभग 12 घंटे का वक्त लग सकता है यहां पर सब कुछ सुचारू होने में और हालात पर काबू पाने में। तो 25 से 28 डिब्बे डीरेल हुए हैं। कोयला लदा मालगाड़ी आगे बढ़ रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था और तभी डीरेल हो गई।